ट्रायल में ले जाएं। सही। अच्छा मियां साहब कब वापस आ रहे हैं? मियां साहब अपना फैसला करेंगे या डॉक्टर्स उनका फैसला करेंगे, मैं और आप नहीं कर सकते। अगर उनको डॉक्टर्स इंशाल्लाह गो अहेड दे देते हैं, डॉक्टर्स ने इजाजत दे दी तो वो आ जाएंगे। यानी डॉक्टर्स के मना करने पे अभी वो रुके हुए? नहीं, इलाज करवा रहे हैं, इलाज उनका भी बाकी है। अच्छा। और हमने उनको भूल जाते हैं कि मुल्क में सियासत से भी अलग किया हुआ है, ताहियात नाहल भी किया हुआ है। छोटी छोटी बातें हैं, ताहियात नाहल कर देना, सियासत से बाहर कर देना, जेल डाल देना, ये छोटी छोटी बातें शायद साहब। लेकिन इसमें एक और भी छोटी सी बात ये भी है ना कि ये जो वजीर आजम साहब अभी बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब, ये भी तो छोटी सी बात है कि ये मियां साहब की मर्जी और मंशा के बाद बैठे हैं। मतलब बहुत से फैसले मियां साहब का पार्टी ने अदम एतमाद किया है और उसके बाद शहबाज साहब आए हैं। ये लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो 3 फुट का फासला उन्होंने तय किया और लीडर ऑफ द हाउस बन गए। यही पार्लिमानी सियासत होती है। ठीक है। और अभी जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं मियां साहब के? पता नहीं मुझे इसका इल्म नहीं, क्योंकि पिछले जो थे मेरा उनके साथ तो कभी मुलाकात हुई है, मुझे किसी मुलाकात का इल्म नहीं है। अच्छा, वो तो आज खान साहब ने भी कहा कि मेरी भी कभी नहीं हुई जब से वो चीफ बने। जी नहीं, मेरा ख्याल है उनसे पहले भी शायद मियां साहब की नहीं हुई, मुझे इल्म नहीं है। लेकिन शायद हुई हो या ना हुई है मुझे, क्योंकि खान साहब के अंडर तो वो सर्व करते रहते ना, एज डीजीआई भी उन्होंने सर्व किया है, तो इसलिए जी मेरे साथ भी एनएससी में थे। सही।